गाइस, प्राइस पी डैश होने से क्या हो जाएगा? इनिशियली देखिए, जब प्राइस पी थे तो फर्म ए का प्रॉफिट कितना था इनिशियली? हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लूटस आईएएस। गाइस, हम लोग सीरीज बना रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस आए थे उसमें आज नेक्स्ट पार्ट है, और कार्नोट का ये कार्नोट मॉडल ऑफ ड्यूओपोली का ये थर्ड पार्ट है। तो लास्ट टर्न में या लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास दो फर्म्स हैं, फर्म ए और फर्म बी। तो इनिशियली फर्म ए एक मोनोपोली की तरह बिहेव करती है, राइट? और अपने डिमांड कर्व जो कि हमने एमडी लिया था, फर्म ए का डिमांड कर्व और उसका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व लिया था, ये सारी चीजें हम लोग पिछली बार कर चुके हैं, ठीक है ना? और फर्म में कितना प्रोड्यूस करेगी या कहां तक प्रोडक्शन होगा वो हमने देखा था, एमएन तक होगा। बचा हुआ प्रोडक्शन फर्म बी को करना था, राइट और रॉन्ग? लेकिन जैसे ही फर्म बी मार्केट में एंटर करेगी, अब मार्केट मोनोपोली नहीं रहा, रेदर परफेक्ट कॉम्पिटिशन बन गया, राइट? तो अब फर्म बी कितना प्रोड्यूस करेगी? पूरी डिमांड एनडी तक नहीं प्रोड्यूस करेगी, रिक्वायर्ड था कि ये एनडी तक प्रोड्यूस कर दे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कार्नोट मॉडल में क्या होता है कि दोनों फर्म्स का प्रोडक्शन कंबाइन करके टोटल डिमांड के इक्वल होना चाहिए। तो आधा प्रोडक्शन तो फर्म ए ने कर दिया था, बचा हुआ आधा फर्म बी को करना था, बट इट विल नॉट प्रोड्यूस टिल एनडी, रेदर इट विल प्रोड्यूस हाफ ऑफ एनडी, दैट इज एनएच। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर देखिए सप्लाई इंक्रीज कर गई। सप्लाई इनिशियली ओएन थी, जब सप्लाई ओएन थी प्राइस पी था, अब सप्लाई कितनी हो गई है, नाउ सप्लाई हैज बिकम ओएच। देखिए इतना पूरा सप्लाई हो गया, और जब भी सप्लाई इंक्रीज करती है वी नो प्राइस डिक्रीजेस, तो इसलिए अब प्राइस पी डैश हो गया। गाइस, प्राइस पी डैश होने से क्या हो जाएगा? इनिशियली देखिए, जब प्राइस पी थे तो फर्म ए का प्रॉफिट कितना था इनिशियली? फर्म ए का प्रॉफिट था आपका ओ एन के पी, राइट? लेकिन अब जब प्राइस पी डैश हो गए तो फर्म ए का प्रॉफिट हो गया ओ एन जी पी डैश। प्रॉफिट डिक्रीज कर रहा है फर्म ए का, यस और नो? तो क्योंकि प्रॉफिट फर्म ए का डिक्रीज कर रहा है, यहां प्राइस पे तो कॉम्पीट नहीं कर सकते, क्वांटिटी पे कॉम्पिटिशन है, तो अब फर्म ए क्या करेगा, फर्म ए अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देगा, वो अपने प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देगा। बोलिए समझे कि नहीं समझे, यस और नो? और कितना अब वो प्रोड्यूस करेगा या कितना आउटपुट होगा, ये प्रीवियस सिनेरियो से डिसाइड किया जाएगा, ओके? ठीक है, तो अगर हम प्रीवियस सिनेरियो देखें, इसको मैं रेस कर रहा हूं, आप समझ गए ना, फर्म ए ने अपना प्रोडक्शन क्यों डिक्रीज किया, क्योंकि उसका प्रॉफिट डिक्रीज हो गया, और फर्म्स को यहां पे क्या करना है, ये तो बेसिक अजम्पशन है और कॉमन सेंसिकल है कि फर्म्स को अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, इसलिए उसने क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड कम कर दी। इनिशियली जब ओडी प्रोड्यूस करना था तब आपका फर्म में कितना प्रोड्यूस कर रहा था, तब फर्म में हाफ ऑफ ओडी प्रोड्यूस कर रहा था, राइट और रॉन्ग, यस और नो? और जो बचा हुआ था मेरे पास एनडी, फर्म बी कितना प्रोड्यूस कर रहा था, फर्म बी हाफ ऑफ एनडी प्रोड्यूस कर रहा था। टेल मी गाइस, यस और नो? तो फर्म बी कितना, ठीक है ना, फर्म बी कितना कर रहा था, हाफ ऑफ एनडी। अब बारी किसकी है, फर्म ए ने हाफ ऑफ ओडी किया, फर्म बी ने रिएक्ट करके हाफ ऑफ एनडी किया, अब फिर से फर्म ए रिएक्ट करेगा और वो कितना प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा हाफ ऑफ रिमेनिंग प्रोड्यूस्ड बाय बी। बी ने जितना प्रोड्यूस किया, बी ने कितना प्रोड्यूस किया गाइस, बी ने एनएच प्रोड्यूस किया है, यस और नो? बचा कितना था ओडी, सॉरी बचा था एनडी, जिसमें बी ने एनएच प्रोड्यूस किया, टोटल कितना था ओडी, तो ओडी में से बी का प्रोडक्शन हटा दीजिए, अब ए उतना प्रोड्यूस करेगा, टोटल था ओडी, हाफ ऑफ ओडी माइनस बीस प्रोडक्शन, ये अब ए प्रोड्यूस करेगा, यस और नो? फिर अब बी के बारी आएगी, अब बी रिएक्ट करेगा, बी कितना प्रोड्यूस करेगा, टोटल कितना है ओडी, और ए का जितना नया प्रोडक्शन है उसको माइनस कर दीजिए, यानी कि अब बी कितना प्रोड्यूस करेगा, हाफ ऑफ
टोटल ओडी माइनस एज न्यू प्रोडक्शन, यस और नो? जो अभी आया एज न्यू प्रोडक्शन, फिर ए रिएक्ट करेगा और अब ए कितना प्रोड्यूस करेगा, ओडी माइनस बीज न्यू प्रोडक्शन, और ये सिनेरियो गाइस चलता चला जाएगा। बोलिए बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई आपको? ठीक है, ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू होगा? ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा जब तक, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल ए कितना प्रोड्यूस करने लगे, ए प्रोड्यूस करने लगे 1/3 ऑफ टोटल प्रोडक्शन और टोटल रिक्वायरमेंट दैट वॉज ओडी। बी कितना प्रोड्यूस करने लगे, बी भी प्रोड्यूस करने लगे 1/3 ऑफ ओडी, यस और नो? ठीक है, तो टोटल प्रोडक्शन कितना होगा, अब टोटल प्रोडक्शन हो जाएगा 1/3 ऑफ ओडी प्लस 1/3 ऑफ ओडी, दैट इज 2/3 ऑफ ओडी, इतना अब टोटल प्रोड्यूस हो रहा है। बात समझे, यानी 1/3 ऑफ ओडी जो कि रिक्वायरमेंट थी वो यहां पर ड्यूओपॉली में कार्नोट में प्रोड्यूस नहीं हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? ठीक है, ओके, चलिए तो इतना ही कार्नोट मॉडल में। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बेस्ट रिस्पांस फंक्शन और इस पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और न्यूमेरिकल देखेंगे कार्नोट मॉडल के। दो और पार्ट्स आएंगे कार्नोट मॉडल के और कार्नोट मॉडल फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।